करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 2020? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 2020 की थीम पार्लियामेंट इन ए टाइम ऑफ पेंडेमिक होनी चाहिए। हाँ यही है, पार्लियामेंट इन ए टाइम ऑफ पेंडेमिक। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वन टू अवार्ड्स एट ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉगेक्स 2020? कोरोना से रिलेटेड होगा कुछ, माई गव कोरोना होना चाहिए, यही है। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट नेम्ड माई गव कोरोना हेल्प डेस्क बैक टू अवार्ड्स एट ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉगेक्स 2020, ये सही है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द एयरबॉर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम टू टैकल द लोकस्ट अटैक? लोकस्ट अटैक को DRDO, इंडियन एयरफोर्स, HAL, भेल। एयरबॉर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम DRDO का होना चाहिए, नहीं इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली डिजाइन एंड डेवलप एन एयरबॉर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम ऑन MI-17 हेलीकॉप्टर्स में कुछ बनाया है उन्होंने। और ये क्या करेगा, हेलीकॉप्टर के थ्रू पेस्टिसाइड को स्प्रे कर देगा अफेक्टेड लैंड में, एरियल स्प्रे होगा और इससे लोकस्ट कंट्रोल किया जाएगा। अच्छी बात है। चलो, हु इज द हेड ऑफ नेशनल लेवल कमेटी सेट अप बाय होम मिनिस्ट्री फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ? रणबीर सिंह जो है वो वाइस चांसलर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के, उनको अपॉइंट किया गया है। हु इज बीन अपॉइंटेड बाय एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस? इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंद्र मणि पांडे, डिप्लोमेट है। इनको जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किया गया है, और ये इंद्र मणि पांडे, IM पांडे, ठीक। वो इस चार्टेड चार्टेड अकाउंटेंट डे, अभी कैसे पता होगा भाई, 1 जुलाई को मनाते हैं चार्टेड अकाउंटेंट डे, क्योंकि इस दिन ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ था। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड 750 मिलियन MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम? EDB है क्या? नहीं, वर्ल्ड बैंक है। बैक्सिमको LPG विद विच इंडियन ऑयल हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर LPG कंपनी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बैक्सिमको LPG, देखना पड़ेगा भाई, बैक्सिमको LPG के साथ कहाँ हुआ है भाई, IOCL का बैक्सिमको LPG वही सही में 4 दिन पहले की न्यूज है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एग्रीज टू फॉर्म जॉइंट वेंचर विद बैक्सिमको LPG टू सेटअप ए टर्मिनल टू इंपोर्ट LPG इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में बैक्सिमको LPG के साथ जॉइंट वर्कर करके LPG गैस इंपोर्ट की जाएगी, टर्मिनल टू इंपोर्ट LPG टर्मिनल बनाया जाएगा। इंडियन ऑयल की दुबई यूनिट और बैक्सिमको की होल्डिंग कंपनी रसेल खमेना UAE एग्रीमेंट किया है LPG बिजनेस बांग्लादेश के लिए। चलो बढ़िया, याद रहेगा। तो बैक्सिमको LPG ने जॉइंट वेंचर LPG कंपनी कहाँ पे सेट किया? बांग्लादेश। विच इंडियन स्टेट इज टू लॉन्च ए स्कीम हमारा घर हमारा विद्यालय, घर पे पढ़ाई करो? मध्य प्रदेश। हमारा घर हमारा विद्यालय माई होम माई स्कूल स्कीम एम्स टू टीच द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन स्कूल लाइक एनवायरमेंट स्टेट एजुकेशन सेंटर पे। अच्छा, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द वर्स्ट फर्स्ट ऑनलाइन बैचलर साइंस डिग्री इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग? IIT मद्रास। डेटा साइंस पे उन्होंने बैचलर, IIT मद्रास हैज लॉन्च द वर्स्ट फर्स्ट ऑनलाइन डिप्लोमा एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग, नो एज लिमिट। अच्छा बढ़िया है। विच इंडियन अमेरिकन ऑथर एंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैज बीन नेमड 2020? विच इंडियन अमेरिकन ऑथर एंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैज बीन नेमड 2020 गेट इमिग्रेंट हेनरी सिद्धार्थ मुखर्जी लिटरेचर प्राइज विनिंग इंडियन अमेरिकन ऑथर एंड ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी हैज बीन नेमड एज द 2020 ग्रेट इमिग्रेंट हेनरी। अच्छा, सिद्धार्थ मुखर्जी
विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च ए प्लांटेशन ड्राइव, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, न्यू दिल्ली। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट टू $400 मिलियन फॉर इंडिया प्रोग्राम टू रिजुनेट गंगा रिवर, वर्ल्ड बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन लॉन्च बाई एचआरडी मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री टू आइडेंटिफाई ड्रग्स अगेंस्ट कोरोना वायरस, ड्रग डिस्कवरी है कहता हूँ। विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड द सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट, HAL, HAL बनाएंगे भाई। विच हु हैज बीन रिकॉग्नाइज एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, जुआन गायदो। विच ऑर्गेनाइजेशन यूनानिमसली अडॉप्टेड द फर्स्ट COVID-19 रिलेटेड रेजोल्यूशन एंड डिमांडेड एन एंड टू हॉस्टिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज यूनानिमसली अडॉप्टेड द फर्स्ट COVID-19 रिलेटेड रेजोल्यूशन डिमांडेड एंड टू हॉस्टिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड। और दो जो है यूएस एंड चाइना रिलेटेड अटेम्प्ट टू अडॉप्ट द रेजोल्यूशन। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ स्टेट एजेंसी एक्कोस, आउटसोर्सिंग स्टाफ। विच इंडियन स्टेट्स होल्ड द टॉप पोजिशन इन मरीन फिश प्रोडक्शन, तमिलनाडु, तमिलनाडु फॉलोड बाई गुजरात एंड केरला। प्लेस कॉल नीमू इंडस पे, यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख में, जंगस्कार रेंज। नरेंद्र मोदी नीमू तक गए थे टू इंटरेक्ट विद इंडियन ट्रूप्स। नीमू इज द रिजर्व ब्रिगेड हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी, कारगिल के पास है। BRO यहाँ पे एक रोड बना रही है जंगस्कार वैली तक के लिए। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली ज्वाइन द सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। धर्म चक्र परिवर्तन, ये तो बुद्धिज्म का ही है यार। वॉट इज द नेम ऑफ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विच इज एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ई समीक्षा। ई समीक्षा प्रोजेक्ट्स मॉनिटर करने के लिए। विच इंडियन स्टेट हैज बैंड द नागालैंड ने डॉग मीट, और कौन खाया गया है डॉग मीट, नागालैंड वाले खाते हैं। हु इज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, जॉन कॉल्टेक्स। मेजर इकोनॉमी टू शट डाउन कोल एंड न्यूक्लियर पावर, जर्मनी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू शट डाउन कोल एंड न्यूक्लियर पावर। बोथ द हाउसेस ऑफ जनरल पार्लियामेंट हैव अप्रूव्ड द फेज आउट डिसीजन। इट हैज डिसाइडेड टू शट डाउन कोल फायर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाई 2038 एंड न्यूक्लियर पावर बाई 2022। अब ये 40 बिलियन यूरो हेल्प करेगी अफेक्टेड रीजन इन दियर ट्रांजिशन। जब कोल बंद कर देंगे, न्यूक्लियर बंद कर देंगे तो करेंगे क्या, हाइडल पावर प्लांट क्या करेंगे। Which country has world's largest elephant population? देख लेते हैं भाई जर्मनी में पावर प्रोडक्शन क्या है। जर्मनी में पावर प्रोडक्शन का क्या है मामला। Which country has world's largest elephant population? अफ्रीका में कहीं होना चाहिए। बोत्सवाना, लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन 1,30,000। 300 एलिफेंट ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना में अचानक से मर गए, पोचिंग नहीं था क्योंकि टस्क डैमेज नहीं हुए। वर्ल्ड बैंक, क्योंकि हाँ एलिफेंट की पोचिंग टस्क के लिए होती है और टस्क एजेटेज थे। एज द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन इंडिया इज इमिड इन विच कैटेगरी ऑफ इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम। दिस सेवन इकोनॉमीज इंक्लूडिंग नेपाल एंड इंडोनेशिया आर मूविंग टू हायर कैटेगरी, श्रीलंका एंड मूव डाउन लोअर कैटेगरी, इंडिया लोअर मिडिल पे है। कोल इंडिया हैज पार्टनर विद विद अंदर PSU टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर टू डेवलप ग्रीनर पावर, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। विच इंडियन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद अटल इनोवेशन मिशन हैज लॉन्च डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है।